हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग की दाल का हलवा, वो भी इतनी जल्दी बनने वाला और इतना टेस्टी। अगर आप इस तरीके से एक बार बना के देखो गाइस, 100% ये बहुत अच्छा लगेगा आपके घर में सबको। और आप देख सकते हो कितना रसीला और कितना टेस्टी दिख रहा है, कलरफुल यम्मी सा, है ना। तो चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी। लेट्स स्टार्ट विथ मानसी रेसिपी। ये मैंने बादाम ले लिए हैं चॉप करके छोटे छोटे। ये केसर मैंने दूध के अंदर डाल के भिगो के रख दिया। ये इलायची पाउडर है मैंने, और ये किशमिश, ये पिस्ता और ये काजू, इन सबको मैंने चॉप कर लिया। ये एक कटोरी चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना, ले लेना। और ये एक गिलास दूध है मैंने बॉईल करके ठंडा करके ले लिया। और ये हमारी मूंग की दाल है, मैंने इसको 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से भीग के फूल चुकी है। और हमारा हलवा बनाने के लिए दाल ये रेडी है। तो आइए अब हम इसको पीस लेते हैं। मैंने वॉश कर लिया है दाल को, अब मैं इसको जार में डाल दूँगी। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, दरदरा पीसना है हमको, बिल्कुल एकदम महीन नहीं पीसना, दरदरा पीस लेंगे। ये देखो गाइस कितना अच्छा पेस्ट इसका रेडी हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे घी। और गाइस घी यूज़ करना, ऑयल मत यूज़ करना, घी से बहुत अच्छा हलवा बनता है ये। ये हम पिस्ता डाल लेंगे, काजू, बादाम ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रीडियंट्स डाल के हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए, जिससे कि खाने में ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी लगे। ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये देखो गाइस हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से, सारा निकाल लिया। अब इसमें और घी यूज़ ऐड करेंगे, जितना आप घी डालोगे उतना ही हलवा अच्छा बनेगा, तो याद रखना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी पिसी हुई मूंग की दाल। सारा दाल का जितना भी पेस्ट बना हम सारे इसमें यूज डाल देंगे। अब हम इसको चला लेंगे, मिला लेंगे। गाइस आप नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करना, मैंने एक्चुअली उस टाइम नॉनस्टिक पैन लेना भूल गई, मैंने नॉर्मल कढ़ाई में बना लिया था, थोड़ा ही चिपक रहा था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा चिपक रहा था, मैंने घी ज़्यादा यूज़ करा था, फिर 2 मिनट बाद वो नॉर्मल हो चुका था, फिर वो नहीं चिपक रहा था। उसके बाद अच्छे से ये चला सकती थी मैं इसको, और आप कहीं देख ही सकते हो इसका कलर कितना फंटेस्टिक लग रहा है। और इसको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू चला रही थी, मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था। और इसको अच्छे से चलाते रहना है, इसके एक एक जो दाने ना अलग हो जाएंगे जब ये दाल हमारी रेडी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हमें इसको रोस्ट ही करते रहना है, क्योंकि अभी इसमें हमें दूध ऐड नहीं करना है, अभी हमें अपनी दाल को ही रोस्ट करना है अच्छे से। ये देखो गाइस आपको दिख रहा है, ये दाने दाने इसके अलग अलग होने लग गए हैं। चलाते चलाते इसको चलाते ज़रूर रहना गाइस, क्योंकि नहीं चलाओगे तो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी दाल, आपका कलर बेकार हो जाएगा हलवे का। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे अपना 1 गिलास बॉईल किया हुआ। और अब हम इसको सारा मिला लेंगे दूध को अच्छे से, सारा दूध मिला लेंगे हम इस तरीके से। आप एक बार बनाओगे ना गाइस, 100% आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी यूज़ करना, मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला है। और हम इसे अंदर ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, केसर वाला दूध, जो आपके हलवे को बहुत ही अच्छा कलर देने वाला है। ये सब हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पे ही हलवे को रेडी करा है, क्योंकि मुझको इसका कलर जो है येलो में ही चाहिए था, नहीं तो वो ब्राउन सा हो जाता ना, इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम पे ही बनाया है। पूरे हलवे को मैंने लो फ्लेम पे ही रेडी किया है, और आप भी लो पे ही करोगे तो आपका हलवे का जो कलर है वो येलो ही रहने वाला है गाइस।
और इसको हम सब कुछ ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखो जिस तरीके से मैं चला रही हूँ इस तरीके से चलाना, क्योंकि जो लम्स वगैरह कुछ बन जाएंगे ना उसमें वो सारे हट जाएंगे आप इस तरीके से चलाओगे तो। ये देखो गाइस हलवा हमारा जो है नीचे से बर्तन छोड़ चुका है, यानी कि घी छोड़ चुका है, तो हमारा हलवा रेडी होने ही वाला है। हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू और इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, सारे ऐड करके फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरीके से चलाना है आपको हलवे को। ये देखो गाइस कितना कलरफुल लग रहा है ना। आप लो फ्लेम पे ही बनाना, क्योंकि लो फ्लेम पे आपका हलवा बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, अगर देर से बनेगा और लो फ्लेम पे बनेगा तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा। जल्दी में बनाओगे, तेज़ गैस पे बनाओगे तो वो जल भी जाएगा और हलवे में टेस्ट भी अच्छा नहीं आने वाला। और ये हम ऐड कर देंगे किशमिश, जो हलवे में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए ये डालना मत भूलना। बल्कि मैंने थोड़ी ज़्यादा यूज़ करी है किशमिश, क्योंकि मुझे हलवे में किशमिश बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपका मर्जी है आपको यूज़ करना है तो। और केसर वाला जो दूध था अगर आप पे अवेलेबल है तो आप यूज़ करना केसर, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली इसको जैसे बना रहे थे वैसे बना लें, स्किप कर सकते हो, ऑफिशियल है वो। ये देखो गाइस कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में। ये घी छोड़ चुका है, आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ चुका है हलवा हमारा। हम इसको चलाते रहे, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि घी छोड़ रहा है हमारा हलवा और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये अब रेडी हो चुका है गाइस और बहुत ही यम्मी बना था ये, क्योंकि जब मेरे घर वालों ने खाया था मेरी बहुत तारीफ करी, क्योंकि बहुत अच्छा बना था। लो फ्लेम पे बनाना और जल्दी मत करना, और इसी तरीके से इसी स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो 100% ही बहुत अच्छा बनेगा। और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखो गाइस कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है ना। अब ऊपर से ना कच्चा घी भी यूज़ कर सकते हो, जो कच्चे घी को किसी बर्तन में गरम करके ऊपर से हलवे में डाल सकते हो, उससे आपका हलवा और भी टेस्टी लगेगा। मैंने भी यही करा है, आप भी ऐसे कर सकते हो गाइस, उससे आपके हलवे की शान टेस्ट सब बढ़ने वाला है और आपके घर में सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। इसलिए आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, नेक्स्ट आपको क्या देखना है तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएं। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय।